गर्मियों का मौसम आते ही बहुत सारे लोगों को घुमौरियों का सामना करना पड़ता है। तेज़ धूप और पसीने की वजह से होने वाली यह घुमौरियाँ बहुत ही परेशानी का कारण बनती हैं। दोस्तों, आज हम आपको घुमौरियाँ मिटाने के घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे। घुमौरी एक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है जो गर्मियों के मौसम में सबसे अधिक होती है, और घुमौरियों की वजह से हमारी स्किन पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जिनमें खुजली होती रहती है। इसके कारण त्वचा में जलन, खुजली और लाल रेशेज भी हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा पर सूजन, लालिमा और छाले जैसे छोटे छोटे घाव या छोटे छोटे लाल दाने दिखाई देने लगते हैं, जो कांटेदार चुभन या तीव्र खुजली का कारण बनते हैं। घुमौरियाँ आमतौर पर पीठ, पेट, गर्दन, ऊपरी छाती या कमर आदि जगह पर अधिक होती है। घुमौरियाँ मिटाने का घरेलू उपाय। कुछ घरेलू उपायों को अपनाकर हीट रेशेज की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय है घुमौरियों को मिटाने के लिए ओटमील बाथ लें। ओटमील बाथ या दलिया से स्नान करना स्किन के लिए लाभदायक होता है। यह घुमौरियों को मिटाने के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। ओटमील सूजन को कम करता है और त्वचा पर नमी को बनाए रखने या त्वचा को मॉइस्चर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दलिया घुमौरियों के लिए एक उपयोगी घरेलू उपचार है। स्नान के लिए गुनगुने पानी में 1 या 2 कप दलिया डालें और 20 मिनट बाद उस पानी को छान लें और फिर स्नान करें। इसके अलावा दलिया और पानी का पेस्ट बनाकर आप सीधे घुमौरियों पर लगा सकते हैं। दूसरा उपाय है घुमौरियों को मिटाने के लिए घरेलू उपाय, जो है कूल बाथ। हीट रेशेज आमतौर पर त्वचा के ठंडा होने के बाद आसानी से ठीक हो जाते हैं। यदि आप घुमौरियों को मिटाना चाहते हैं तो ठंडे पानी से स्नान करने से इससे मदद मिल सकती है। त्वचा के बंद छिद्रों को भी अच्छी तरह से साफ करें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भरा हुआ छिद्र दाने को गर्म करने में योगदान देता है, जो प्रिकली हीट का कारण होता है। सुनिश्चित करें कि आप नहाने के बाद अपनी त्वचा को अच्छी तरह से सुखा लें। त्वचा जो गीली रह गई हो उस पर यह समस्या बढ़ सकती है। तीसरा उपाय दोस्तों, गर्मी में घुमौरी का इलाज, बेकिंग सोडा। घुमौरियाँ मिटाने के लिए घरेलू नुस्खों से आप गुनगुने पानी में बेकिंग सोडा के 3 से 5 बड़े चम्मच जोड़ें और लगभग 20 मिनट के लिए हीट रेशेज स्किन को भिगोएं। नीम के पेस्ट से मिटाएं हीट रेशेज को। नीम का उपयोग त्वचा पर चिकित्सा के लिए किया जा सकता है। रिसर्च में दिखाया गया है कि नीम में रोगाणुरोधी और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। पेस्ट बनाने के लिए नीम पाउडर को पानी के साथ मिलाएं। यह पेस्ट घुमौरियों के दाने पर लगाएं, फिर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। नीम पाउडर को गुनगुने पानी में स्नान के लिए पानी में भी जोड़ा जा सकता है। पेस्ट बनाने के लिए नीम पाउडर को पानी के साथ मिलाएं। यह पेस्ट घुमौरियों के दाने पर लगाएं, फिर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। नीम पाउडर को गुनगुने पानी से स्नान के बाद पानी में जोड़ा जा सकता है। घुमौरियों मिटाने के घरेलू नुस्खों में लगाएं सेंधा नमक। सेंधा नमक, जिसका रासायनिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट होता है, यह स्किन के लिए कई प्रकार के लाभदायक है। इसके लिए आप नहाने के गुनगुने पानी में 1 कप या 2 कप सेंधा नमक को मिलाकर स्नान करें। घुमौरियों से होने वाली खुजली से जल्दी राहत मिल जाएगी। एलोवेरा है घुमौरियों मिटाने का घरेलू उपाय। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो घुमौरियों के कारण होने वाले संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी है। यह सूजन और दर्द को कम करने में एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। हीट रेशेज से होने वाली बेचैनी से राहत पाने के लिए प्रभावित त्वचा पर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना चाहिए। घुमौरियों का दोस्तों आयुर्वेदिक इलाज है चंदन पाउडर। चंदन के पेस्ट को बनाने के लिए अब 1 भाग पानी के साथ 2 भाग चंदन पाउडर मिलाएं। इसे अपने दाने पर लागू करने से पहले इसे त्वचा के छोटे से हिस्से पर पेस्ट टेस्ट करें। यदि आपको 1 घंटे के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो आपको इसे बिना किसी अन्य समस्या के दाने पर लागू कर सकते हैं। कपूर से करें घुमौरियाँ मिटाने का उपचार। दोस्तों, कपूर की मदद से भी घुमौरियाँ ठीक की जा सकती हैं। यह एक अच्छा घरेलू उपाय है। इसके लिए आप कपूर को अच्छे से पीस कर इसका पाउडर बना लें। आप कपूर के इस पाउडर से कुछ बूंदें नीम के तेल की मिला लें। अभी आपका पेस्ट तैयार है। इस पेस्ट को आप घुमौरियों से प्रभावित जो स्थान है उस पर लगाएं। यह घुमौरियों को ठीक करने में काफ़ी मददगार साबित
हो सकता है। घुमौरियाँ मिटाने के लिए घरेलू नुस्खे में लगाएं शहद। शहद को सीधे घुमौरियों से प्रभावित स्थान पर लगाएं, यह खुजली और जलन को दूर करने में मदद करता है। साथ ही त्वचा की जो ऊपरी परत है उसको मॉइस्चराइज करने में भी सहायक है। घुमौरियों का इलाज नारियल तेल से। नारियल तेल प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल प्रकृति का होता है। यह त्वचा को पौष्टिक और हाइड्रेट रखने में मदद करता है। यह त्वचा के चिकित्सा को ठीक करने और खुजली को काफ़ी कम करने में प्रभावी होता है। नारियल तेल को सीधे तौर पर घुमौरी पर लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू उपाय जिनकी सहायता से आप गर्मियों में होने वाली घुमौरियों से निजात पा सकते हैं और आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहें रेमेडी अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।